हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट हो चाहे राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो, एक ही पोस्ट पर अगर दो व्यक्ति काम करते हैं, एक प्रमोटी हो और दूसरा डायरेक्ट रिक्रूट हो, यानी कि एक प्रमोशन हो के आया हो और दूसरा की डायरेक्ट भर्ती की गई हो, तो क्या उनकी पे अलग अलग हो सकती है? क्या उनको अलग अलग अलाउंसेस मिल सकते हैं, या एक पोस्ट के हिसाब से दोनों की पे समान होनी चाहिए? तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस आया, जिसमें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के 91 जवानों ने, जो ASI के पद पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो डायरेक्ट ASI भर्ती हुए हैं CISF में, उनको उनसे ज़्यादा पे मिल रही है, जबकि वो भी उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उनको जो है कम पे मिल रही है। तो दोस्तों, क्या केस के पूरे फैक्ट्स हैं और क्या इसमें रिलीफ दिया गया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त हम मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रिट का नंबर है रिट पिटीशन सिविल 7792, ये 2020 की थी। टाइटल है देवेंद्र पाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और इसमें जो जजमेंट दिया डबल बेंच ने, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, CISF के 91 जवानों ने, जो ASI के पद पे काम कर रहे थे, उन्होंने जो है डिपार्टमेंट के एक ऑर्डर को क्वाश करने के लिए पिटीशन फाइल की, जहां पर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन था कि उनकी पे दोबारा फिक्स की, एंड वाइल सीकिंग पैरिटी विद पिटिशनर्स इन विनोद वीवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस, दे आर सीकिंग ए डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू रीफिक्स देयर पे ऑफ ₹8,560 प्लस ग्रेड पे ऑफ 2800, दैट इज 11,360 फ्रॉम 1/1/2006। यानी कि इनका जो ASI का केस था वो ये था कि उनको 1/1/2006 से 8,560 रुपये का जो इनका बेसिक दिया जाए, 2800 रुपये ग्रेड पे दी जाए, यानी कि 11,360 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको दिया जाए। अकॉर्डिंग टू पेटिशनर, ही ज्वाइंट द सर्विस ऑफ CISF ऑन द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल। ये जो पेटिशनर थे, ये हेड कॉन्स्टेबल के तौर पे CISF में इन्होंने ज्वाइन किया था। पेटिशनर्स ने दावा किया कि दैट सब्सिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6CPC यानी कि छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद, द एंट्री ग्रेड फॉर द रैंक ऑफ ASI वाज फिक्स्ड एट ₹8,560 विद ग्रेड पे ऑफ ₹2800। उन्होंने कहा कि जब छठा वेतन आयोग लागू किया गया, तो जो डायरेक्ट रिक्रूट्स थे, यानी कि जो ASI के पद पे सीधे जो है पोस्टिंग जिनकी हो रही थी, रिक्रूटमेंट हो रही थी, उनका जो वेतन फिक्स किया गया वो 8,560 रुपये फिक्स किया गया विद ग्रेड पे ऑफ ₹2,800। उनको 2800 रुपये का जो है साथ में ग्रेड पे दिया गया। वेयर एज आफ्टर रेंडरिंग सर्विस ऑफ 13 ईयर्स, जबकि वो प्रमोटी जो 13 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उनका जो सैलरी है वो केवल 8,000 रुपये उनकी बेसिक बनती है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूट से काफ़ी कम है। तो दोस्तों, पेटिशनर क्लेम्स टू हैव रेज द अफोरसेड ग्रीवेंस बाय फाइलिंग ए रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने इस अनोमली को लेके, इस ग्रीवेंस को लेके जो है डिपार्टमेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, विच वाज रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट कर दिया गया, स्टेटिंग दैट पेटिशनर वाज नॉट डायरेक्टली रिक्रूटेड टू द रैंक ऑफ ASI आफ्टर 1/1/2006
6 और डिपार्टमेंट ने ये कहा कि वो जो है जो प्रमोटी हैं यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में वो 1/1/2006 के बाद डायरेक्ट तौर पर रिक्रूट नहीं किए गए हैं, इसलिए उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो इसमें हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस रही वो दैट द पर्सोनल होल्डिंग द सिमिलर पोस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड एंड आर एंटाइटल्ड टू गेट सिमिलर पे एंड अलाउंसेस। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है कि ये एक सेटल्ड लॉ है, यानी कि संविधान में भी इसकी परिकल्पना है कि जहाँ पर दो व्यक्ति एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, एक ही तरह की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो उनकी पे को लेकर और उनके अलाउंसेस को लेकर अब भेदभाव नहीं किया जा सकता। द ग्राउंड्स अर्ज इन द पिटिशन आर आइडेंटिकल टू द वन रेज्ड इन द विनोद वीवी केस। पहले एक विनोद वीवी केस हुआ था CSF को लेके, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसके जो फैक्ट्स हैं वो विनोद वीवी केस से जो है बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जहां पर पिटिशनर्स को एंड इन द प्रेजेंट केस पर्सुएंट टू ग्रांट ऑफ सेकेंड MSAP इन द ईयर 2014 इन द पे बैंड ऑफ 35,400 फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिज फिक्सेशन वाज रोंगली डन। जब उनको सेकेंड MSAP मिला पिटिशनर को तब भी उनकी फिक्सेशन जो है सही तरीके से नहीं हुई एंड ही वाज ग्रांटेड बेसिक पे ऑफ 50,500 और उसको बेसिक पे दिया गया 50,500 रुपये का, जबकि डायरेक्ट रिक्रूट उसी जो है ड्यूटी के लिए उसी पोस्ट के लिए 52,000 रुपये का बेसिक पे ले रहे थे। तो इन टिप्पणी के साथ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटिशन को अलाउ किया और रिस्पोंडेंट्स को ये डायरेक्शन दी, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी कि इनकी जो है पेटिशनर्स की पे दोबारा फिक्स की जाए एट पार विद डायरेक्ट रिक्रूट्स और जो डायरेक्ट भर्ती हुए हैं ASI के पद पे उनके बराबर जो है इनकी पे की फिक्सेशन किया जाए 1/1/2006 के बाद से विद इन 6 वीक्स 6 हफ्तों के अंदर अंदर एंड फर्दर टू पे एरियर्स विद इंटरेस्ट एट 6% और जो भी इतना जितना भी एरियर बनता है इन एम्प्लॉयज़ का जवानों का वो 6% ब्याज के साथ दिया जाए 4 हफ्तों के अंदर अंदर। अगर 4 हफ्तों में डिपार्टमेंट एरियर नहीं देता है तो तब जो है रेस्पोंडेंट्स को 9% इंटरेस्ट के साथ जो है वो एरियर जवानों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट रिक्रूट को लेकर और प्रमोटी को लेकर काफ़ी भेदभाव बरता जाता है और उनमें जो है पे में भी डिफरेंस होता है। तो इस जजमेंट से ये साफ हो जाता है कि अगर दो व्यक्ति एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उनकी पे और अलाउंसेस को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो